रेंगांव विधायक जुगल किशोर बागरी को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। कोरोना संक्रमित बागरी का सोमवार को भोपाल में इलाज के दौरान निधन हो गया था। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत उनकी अंतिम संस्कार किया गया। जुगल किशोर बागरी को उनके गृह ग्राम वसुधा में उनके बड़े बेटे ने मुखाग्नि दी। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम सहित एक दर्जन से ज्यादा विधायक उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। भाजपा के पूर्व मंत्री व रेंगांव विधायक जुगल किशोर बागरी का कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया गया। रेंगांव विधानसभा से 5 बार के विधायक व क्षेत्र में कक्का नाम से मशहूर जुगल किशोर को समर्थकों ने अपने अपने घरों से ही श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं राज्य सरकार की ओर से विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पुलिस की टीम ने हर्ष फायर कर सशस्त्र सलामी दी। फिर राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। विधायक जुगल किशोर बागरी के निधन के बाद बड़े बेटे ने भाजपा समर्थकों व क्षेत्र के लोगों से अपील की थी, कहा था कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने अपने घरों में रहते हुए ही श्रद्धांजलि अर्पित करें। अंतिम संस्कार में केवल परिवारजन ही उपस्थित रहे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।